नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जिया किचन रेसिपी यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम जरोसिया आज आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की हमारी रेसिपी है कराची हलवा या बॉम्बे हलवा। दोस्तों हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि जो कुछ भी जानकारी या ट्रिक्स हम आपको बताएं उसका आप अपनी रेसिपी में इस्तेमाल कर सके और आपकी रेसिपी और बेहतर बन सके। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट भी करें। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इस रेसिपी की। हमने दोस्तों ये एक बाउल ले लिया है और इसमें हमने एक कप ये कॉर्न फ्लोर ले लिया है या इसे कॉर्न स्टार्च भी कहा जाता है। हम इसमें पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और इसे अच्छे से इसमें घुला लेंगे। दोस्तों ये थोड़ा पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे चिपक जाता है और आप इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें ये लम्स नहीं बने या गुठलियाँ नहीं बनेगी। तो दोस्तों हम इसमें कुल मिलाकर 2 कप हम पानी इसमें डालेंगे, 1 कप कॉर्न स्टार्च या में 2 कप पानी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों ये 1 कप पानी और हम डाल देते हैं। तो एक कप हमने पहले डाला था और 1 कप अब ये कुल मिला के 2 कप पानी इसमें डल चुका है और इसे हम रख देंगे एक साइड में मिक्स करके। और अब हम शक्कर लेंगे एक पैन में। दोस्तों ये हमने पैन ले लिया और हम इसमें शक्कर डालेंगे। जिस कप से हमने कॉर्न फ्लोर लिया था उसी कप से हमने 2 कप शक्कर ले ली है और इसमें 1 कप हमने पानी डाल दिया है और इसे हम पिघलने के लिए गैस पर छोड़ देंगे। तब तक हम एक ट्रे लेंगे, इसको ग्रीस कर लेंगे क्योंकि जब हमारा हलवा बनेगा तो हम इसको इसके अंदर ही हम इसमें सेट करने के लिए रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं इसे थोड़ा फास्ट कर दिया है। दोस्तों इसमें आप बटर पेपर लगा दीजिए, या आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो कोई बात नहीं, सीधा आप ऑयल या घी लगाकर रख दीजिए, उसमें भी हलवा आसानी से निकल जाएगा, लेकिन बटर पेपर में बहुत जल्दी निकलता है। तो दोस्तों अब हमने इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। पहले मैंने इसमें पिस्ते की कतरन डाली है और अब इसमें बादाम की कतरन डाल दिया हूँ। और दोस्तों आपके पास जिस प्रकार का भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और दोस्तों आप देखेंगे कि ये थोड़ी देर के बाद शक्कर अच्छे से पिघल चुकी है और अब हम इसके अंदर ये कॉर्न फ्लोर का जो हमने घोल बना कर रखा है उस घोल को इसमें हम मिक्स करेंगे। दोस्तों एक साथ हमको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और ध्यान रखें इस दौरान फ्लेम को एकदम लो कर दे, नहीं तो एकदम से ये थिक हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, बहुत अच्छा हलवा आपका नहीं बन पाएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से इसे स्टर करते रहें, मिलाते रहें ताकि इसमें लम्स नहीं बनेंगे। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ और अब देखिए पूरा डालकर इसे 5 से 7 मिनट पकाऊंगा। देखिए 5 से 7 मिनट के बाद इस तरीके से ये बनकर तैयार हो चुका है, एकदम आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा। और दोस्तों इस दौरान आप ध्यान रखें, अब हमको इसमें घी डालना है, लगभग 1/2 कप घी का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों 1-1 चम्मच करके आप इसमें घी डालें, जैसे आप इसमें घी डालेंगे ये घी को सोख लेगा और घी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, यानी कॉर्न स्टार्च जो है वो घी को सोख लेगा और जो हमने पानी डाला था वो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और घी सोख लेगा। इस तरीके से आप धीरे धीरे जैसे ही वो घी सोख ले फिर 1 चम्मच घी और डाल दें, इस तरीके से आपको पूरा घी इसमें डालना है। तब तक डालना है कि ये घी को सोखना बंद ना करे, तब तक आपको इस तरीके से मिक्स करना है। और दोस्तों आप थोड़ा गहरे वाला बर्तन ले, कोई सा भी कढ़ाई वगैरह का इस्तेमाल कर रही है, मैं पैन लिया हूँ लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत जा रही है, तो आप थोड़ा गहरा वाला बर्तन ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत आसानी रहेगी बनाने में। और दोस्तों ये हम ये तीसरी बार ये घी हम इसमें डाल रहे हैं और इस घी को हम पूरा ही इसमें डाल देंगे क्योंकि अब इसने घी सोखना लगभग बंद कर दिया है। ये देखिए आप देख रहे हो कि कढ़ाई में भी कहीं पर आपको चिपका हुआ ये नहीं दिख रहा होगा पैन में। और अब हम इसमें कलर डाल देते हैं, मैं इसमें केसरिया कलर डाल रहा हूँ। आपके पास जो भी कलर उपलब्ध हो, आप जिस कलर में बनाना चाहें आप उस कलर में इसे बना सकते हैं। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस दौरान कलर ना डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बाद जब इस समय आप कलर डालते हो तो उसे मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत जाती है,
कम से कम 5 से 7 मिनट का समय लग जाता है। तो जब आप चाशनी बनाए तो उस दौरान आप कलर डाल दें, या कॉर्न स्टार्च का जब घोल अपन बना रहे हो तो उस दौरान भी कलर डाल सकते हैं। वैसे इस समय भी डालेंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा, बाकी मिक्स हो जाएगा। ये देखिए इसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको मिक्स करने में, ये देखिए दोस्तों। और अब हम इसमें ये डाल देते हैं तरबूज मगज। दोस्तों इन्हें मैंने भून लिया था ये, और इसे हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें डालें या कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या तरबूज मगज के अलावा जो भी आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें उसे बारीक टुकड़ों में काट कर डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें तरबूज मगज डाल दिए हैं और इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। और साथ में अब हम इसमें डाल रहे हैं इलायची पाउडर। दोस्तों इलायची पाउडर के साथ साथ में आप या तो इसमें गुलाब जल भी डाल सकते हैं या केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो, और नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, इलायची से काम चल जाएगा। इलायची से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इलायची तो वैसे मसालों का राजा कहलाता ही है। और दोस्तों इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लीजिएगा। और दोस्तों आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है G84123। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये बॉम्बे कराची हलवा अब सेट होने के लिए एकदम तैयार हो चुका है। ये देखिए आप इस देख लीजिए किस तरीके से ये इसकी एकदम ट्रांसपेरेंस दिख रहा है। और अब हम इसको इस बर्तन में डाल देते हैं जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के पहले से रख दिए थे, और इसे हम अच्छे से इसमें फैला देंगे चारों तरफ एकदम बराबर। ये देखिए इस तरीके से आप फैला दें। और दोस्तों आप किसी भी स्टील या इस तरीके के पलटे का इस्तेमाल करके इसे फैला दीजिए, और जल्दी फैलाएं क्योंकि बहुत जल्दी ये जैसे ही ठंडा होने लगता है ये जमने लग जाता है। तो आप इसे शीघ्रता से इसे फैला दें चारों तरफ, आप जिस भी मोटाई में रखना चाहें उस हिसाब से बर्तन लें आप। तो देखिए दोस्तों ये 1 से 1.5 घंटे के बाद इस तरीके से शानदार ये जम चुका है, ये देख ही रहे होंगे बहुत अच्छा जम गया है। और रूम टेम्परेचर पे रखना है आपको, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना, फ्रिज में रखना ही नहीं है। और दोस्तों अब हम इसे इस मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मैंने एक चॉपिंग बोर्ड रखा था मेरे पास, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और मैंने इसके ऊपर इसे पलट दिया है। ये देखिए ये शानदार कराची हलवा तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर का ये बटर पेपर हम निकाल देते हैं। और दोस्तों हम आपसे क्षमा चाहेंगे, आपको बराबर अच्छे से लाइटिंग इसमें नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मैं जो भी रेसिपी बनाता हूँ वो रात के समय ही बनाता हूँ, क्योंकि मैं जॉब करने जाता हूँ तो मुझे टाइम रहता नहीं है। तो जो भी रेसिपी मेरी होती है रात में बनती है, तो हो सकता है कि लाइटिंग वगैरह आपको बराबर सही धुंधला धुंधला दिखता हो, तो उसके लिए तो हम क्षमा चाहेंगे आपसे। और ये देखिए कितना शानदार कराची हलवा बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, देखिए कितना स्पंजी है, एकदम रबर के जैसा है और दिखने में बहुत शानदार दिख रहा है। और दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हमने इसे थोड़ा फास्ट कर दिया है। और ये देखिए हमने इसे बराबर पीस में हमें काट के रख लिया, ये आपको एकदम रबर के जैसा ये दिख ही रहा होगा। और दोस्तों बहुत ही शानदार और टेस्टी है ये, और अब इसे हम सबको इस तरीके से अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों अब ये कराची हलवा तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आल को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। धन्यवाद।